और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी या पापा को गिफ्ट दिया। क्या हेलो दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चकाचक नितेश पर। दोस्तों आज हम एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जी हां, अनबॉक्सिंग क्या, जिसका मैं अनबॉक्सिंग पहले से ही कर चुका हूं। आपको पता भी है, मैंने पोस्ट भी किया था कि हमारे पिताजी का बर्थडे था 15 तारीख को, जी 15 सितंबर को। तो मैंने पिताजी के लिए फ़ोन उसी दिन बुक किया था, पहले से नहीं बुक किया था, बाद में बुक किया था। तो वो फाइनली कल आया था, जी कल आया था, ठीक है। तो मैंने उसमें कवर वगैरह सब कुछ लगा दिया है जी, ठीक है ना। फ़ोन मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोन है जो हमारा फ़ोन है, हमारा Redmi 9A। क्या है, Redmi 9A, देख सकते हैं आप Redmi 9A। और काफ़ी मतलब ठीक ठाक प्राइस में सबसे बेस्ट है फ़ोन। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इसके साथ। देखो इसके साथ ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं मिलता है आजकल, ठीक है ना। तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है इसकी, क्वालिटी बता देते हैं। देखो 3 GB रैम और 32 GB इसकी रोम है, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी बेस्ट है, प्राइस भी ठीक था, ठीक है ना। एक पिताजी के लिए काफ़ी ठीक ही है, वह कोई उनको बहुत भारी काम नहीं करना होता है, बस चलाना होता है और कुछ नहीं इसमें करना होता है। तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये फ़ोन बेस्ट था। और ये फ़ोन जो है कि पिताजी हमारे जो है कि पसंद किए थे, और हमने इसको ऑनलाइन मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। तो इसके साथ मिलता क्या है, कुछ नहीं मिला, बस चार्जर मिला है, चार्जर और ये इसकी केबल, ठीक है, चार्जर है, केबल है, बस और कुछ नहीं है। फ़ोन देख सकते हैं, कवर भी भैया कवर नहीं सोच लेना, कवर हमने ख़रीदा है अलग से। और इसके आगे हमने टच ग्लास भी लगवा दिया, वो भी लगवाया गया है, ठीक है ना। सिर्फ फ़ोन मिला था, हम आपको दिखाते हैं, निकाल कर फ़ोन दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा कवर टाइट है, अभी नया नया कवर है ये फ़ोन, आप देख सकते हो पीछे से इसका डिज़ाइन वगैरह काफ़ी बेस्ट लुक है इसका, ठीक है ना। काफ़ी थोड़ा सा भारी है भैया, भारी फ़ोन है, मेरे वाले से भी ये शायद भारी है, ठीक है ना। तो वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 13 MP का इसका कैमरा भी है, ठीक है ना। और क्या जानेंगे इसका, बहुत ज़्यादा जानना है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फ़ोन देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप लोग भी गिफ्ट दे सकते हैं अपने पिताजी को या मम्मी जी को, ठीक है ना। तो ये मैंने फाइनली पहली बार पिताजी को गिफ्ट दिया है, वो भी मेरी कमाई से, ठीक है ना। तो जो भी था ठीक था। और ये कवर वगैरह मैंने बाद में ख़रीदा है, और इसके साथ पिन भी मिलती है। अभी इसमें भैया वो नहीं लगा है, सिम नहीं लगी है, देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 12:50 हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोपहर को, ठीक है ना। तो यही टाइम मेरे को मिलता है वीडियो बनाने का, 12 से 1:30 के बीच मेरा वीडियो बनता है, ठीक है ना। तो दोस्तों और मैं इसमें क्या बताऊँ, फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, हाँ 9 Pro A, ठीक है ना। मतलब कि काफ़ी ठीक ठाक रेंज, कोई बहुत महंगा भी नहीं है कि आप लोग इसको ले नहीं सकते हो। प्राइस देखना है तो आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो इसका प्राइस कितना है, ठीक है ना। बाकी मेरे को अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी को यही फ़ोन पसंद था, इसलिए इस फ़ोन को मैंने मंगाया, क्योंकि पिताजी को चलाना था, ठीक है। तो कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने अपने मम्मी या पापा को कभी गिफ्ट दिया है, और लोग को तो हर कोई गिफ्ट देता है, लेकिन मम्मी पापा को जिसने गिफ्ट दिया भैया, वो लोग कमेंट करेगा, देखते हैं कितने लोग हैं, कितने कमेंट्स आते हैं ऐसे जिन्होंने अपने मम्मी या पापा को गिफ्ट दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों बस आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी या पापा को गिफ्ट दिया, कैसा भी फ़ोन हो, कुछ भी, कोई जरूरत थोड़ी है कि फ़ोन ही, जो भी गिफ्ट किया हो, जो भी, कोई बहुत महंगा नहीं, जितना भी हो, बाकी गिफ्ट किसने किया है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मैं तो ये गिफ्ट किया हूँ, अब देखते हैं अगली बार क्या गिफ्ट होता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं तक। बाकी दोस्तों मिलते हैं हम फिर नई वीडियो के साथ।